सभी को जय मसीह की। एक बार मसीह के साथ में आपका स्वागत है। इस सप्ताह का जो बाइबल डिवोशन है वो हमने लिया है लूक चैप्टर 23 वर्स 34 से, जिसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था उस कैलवरी क्रूस पर, फिर भी उसने हमारे लिए प्रार्थना किया कि हे पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ में कितना बुरा किया, उसे मारा, उसे पीटा, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाकर उसे कैलवरी क्रूस पर किला से ठोक दिया गया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो अंतिम प्रार्थना किया अपने पिता से कि हे पिता इन्हें माफ करना कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे अनोखा प्रेम करता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाकर और हमारे लिए अपने पिता से प्रार्थना किया कि हमें क्षमा कर दे, हमें माफ़ कर दे, कि जो कुछ भी लोगों ने यीशु मसीह के साथ में किया वो नहीं जानते थे कि वो किसके साथ में क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो हमारे पापों के लिए पिता से क्षमा मांगता है। आज अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने पिता से हमारे लिए क्षमा मांगता है कि हम पापी लोग हैं और जिस पाप से हम डूबे हुए हैं उस पाप से हमें छुटकारा देने के लिए केवल यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, उसके एक प्रार्थना से, वो जो कैलवरी क्रूस पर एक प्रार्थना किया कि हे पिता इन्हें माफ करना ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, वो जो अनोखा प्रेम है यीशु मसीह का, अनोखा प्रेम है कि कितना हमसे वो अनोखा प्रेम करता है कि हमारे पापों के लिए वो कैलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। हमें हमेशा यही याद करना है, यही प्रार्थना करना है कि अगर हमारे पाप का बोझ कोई उठा सकता है तो वो केवल यीशु मसीह है। अगर हमारे पाप कोई क्षमा कर सकता है तो वो केवल यीशु मसीह है। अगर हमारे पाप कोई धो सकता है तो वो केवल यीशु मसीह का लहू है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले सप्ताह में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष आप सभी पर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं सभी लोग जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एक पल मसीह के साथ में, इसे आप लोगों का प्रेम मिले। प्रभु यीशु मसीह की जय।